हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था ना जी सर? 6 किया था, 7 किया था, 6 किया था, 7th. एक काम करेंगे, आप होमवर्क लिख लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने नॉर्मल सेशन में. कई सारे क्वेश्चन किए थे हाउस रेंट अलाउंसेस से रिलेटेड. अगेन आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स सेम ओवर. चले क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं और इसमें आपको नई चीज सीखने को मिलेगी. क्वेश्चन नंबर 8 है जो CA IPCC यानी कि CA इंटर में पूछा गया है क्वेश्चन. जी क्या है ये क्वेश्चन? राजेश वेंट टू श्रीनगर ऑन अ हॉलीडे ऑन 15th of November 2017 विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, वन सन एंड ट्विन डॉट. कितना गलत लिखा है, नहीं सही लिखा, नहीं गलत लिखा है. विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, तीन चिल्ड्रन को लेंगे ना, जिसमें एक लड़का है 6 साल का और ट्विन डॉटर्स हैं 3 साल की. तो इससे तो ये पता चला तीन बच्चे हैं, और ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि तीन बच्चे हैं जिसमें बाद में अगर ट्विन डॉटर्स या ट्विन सन्स आते हैं तो उनको एक ही माना जाता है LTC में, लीव ट्रेवल कंसेशन टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. दे वेंट बाय एरोप्लेन इकोनॉमी क्लास, बिल्कुल सही है, इकोनॉमी क्लास अलाउ होता है और तीन बच्चे अलाउ होंगे. हैं तो दो बच्चे, लेकिन चूंकि बाद में ट्विन हो गए तो पता नहीं था कि ट्विन होंगे तो ट्विन के लिए छूट अलाउ होगी. एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट बाय द एम्प्लॉयर 58,000, जिसमें एडल्ट्स के लिए इतना और बच्चों के लिए इतना, सब अलाउड होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. मान लेंगे ये नॉर्मल प्रोविजंस 4 साल के कैलेंडर ईयर में एक बार दिया गया है तो बात खत्म हो गई, हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं. इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 के पॉइंट नंबर 2 में, जो एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, मिस्टर गोविंद रिसीव्ड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला है उसको, गोविंद को कितना? 10 लाख रुपए. ईयर्स ऑफ सर्विस कितने हैं? 30 साल और 4 महीने. अच्छा, लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है? 20,000 per month एंड DA मिलता है उसको 5,000 per month. मान लेंगे ये इफ में आता है. तो अब कहा गया कैलकुलेट करो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना माफ होगा. 10-10B, होप सो, सेक्शन 10-10B, यही हम लोगों ने देखा था. इसमें कहा गया था लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. तो मैंने वहां जब करवाया था तो वहां लिखवाया था एक्चुअल अमाउंट. जाकर आप पेज पलट करके वहां तक जा सकते हैं, 10 लाख रुपए. दूसरा मैंने बताया था मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपया था ना. और थर्ड मैंने बताया था अमाउंट एज पर रिट्रेंच, यानी जबरदस्ती. जबरदस्ती का मतलब डिस्प्यूट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की अमाउंट. अब चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा अमाउंट दिया नहीं है, वी आर नीडेड टू कैलकुलेट, और उसमें मैंने कहा था नॉर्मल एग्जाम में दिया रहता है, लेकिन आपने देखा यहां पर नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करना सीखते हैं. हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 3 months एवरेज सैलरी. 3 months सैलरी नहीं है, 3 महीने की एवरेज सैलरी, यानी कि 1 महीने की सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ. 6 महीने से ऊपर होगा तो पूरा 1 साल ले लेंगे, लेकिन यहां पर 30 साल 4 महीने है तो 30 साल लेंगे. कितना आ जाएगा? 3 महीने की एवरेज सैलरी 25,000 ही आएगी वापस. बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस इफ परसेंट, बेसिक सैलरी डीए इफ प्लस परसेंटेज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 है. चार 32,692. तो एग्जेम्प्ट होगा जो सबसे कम होगा, और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 10 लाख में से माइनस कर देंगे, 5,67,307. ये आपका आंसर है. इसको नोट करें जल्दी से, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे.
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है क्वेश्चन, नवंबर 2013 में पूछा गया है सीए में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। ठीक है, मिस्टर आनंद इज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ मालपानी लिमिटेड इन मुंबई। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 मार्च 2017। बेसिक स्केल है उसकी 25,000 से 2,500 से 35,000 तक। ठीक है, ही इज पेड डीए और वो भी इफ में आता है। 15% मिलता है बोनस उसको, मिलता है हाफ मंथ, 1.5 मंथ का एंड ऑफ ईयर में। एंड ऑफ ईयर में ही कॉन्ट्रीब्यूट 18% ऑफ सैलरी इन आरपीएफ। यस सर, 18% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का मिलाकर 18% वो और कंपनी दोनों लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ही इज प्रोवाइडेड हाउ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट पर लिया गया है, कंपनी ने लिया है और इसका रेंट है 15,000 पर मंथ। ठीक है, द कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट कितना खर्च किया है कंपनी ने, 40,000। द मंथली सैलरी ऑफ 2,000 ऑफ अ हाउस कीपर। हाउस कीपर की सैलरी दी है कंपनी ने कितनी, 2,000 पर मंथ। टेलीफोन अलाउंसेस मिल रहा है 1,000 पर मंथ। गिफ्ट वाउचर मिला है 4,700 एम्प्लॉयर से। द कंपनी इज पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है 12,000। कार कंपनी ने दी है, भाई ये सब तो दे दिया, कंपनी की कार है ना, ना 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 ना, आनंद की कार है, एम्प्लॉई की कार है, खर्चा कंपनी कर रही है और 1.6 लीटर से कम है, बिलो 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से कम है भाई। और एक्सपेंस बता रहा है 36,000 रुपए किए गए हैं। बोथ पर्पजेस के लिए यूज होती है कार, ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों। फ्री लंच 2,200 रुपए का फैसिलिटी दिया गया है। बस अब इस क्वेश्चन को एंड करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे ना। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, चेक करें सैलरी बेसिक। अब अप्रैल से लेकर फरवरी तक इसका सैलरी था 25,000 पर मंथ और मार्च 2018 में 2,500 बढ़कर के सैलरी हो जाएगी 27,500। तो 25,000 इंटू 9 प्लस 27,500, अरे सॉरी 25,000 इंटू 11 प्लस 27,500, 3,02,500। ये हिसाब किताब खत्म। डीए इफ में है, 15% है, बोनस, बोनस कितना है, 1.5 महीने का लास्ट मंथ के हिसाब से एंड में दिया जाता है, तो 27,500 इंटू 1.5 महीने का, अच्छा जी,
अब आरपीएफ भी कैलकुलेट कर लेते हैं इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी 6% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस डीए, 6% ऑफ 3,02,500 प्लस 45,375 का, सीधे सीधे 6%, 12% के ऊपर। अब ये सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा नहीं ना दोबारा, ये सब तो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है 20,873। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब ये तो रुकना नहीं चाहिए हाथ। मेडिकल ट्रीटमेंट 40,000 में से 15,000 माफ होता है, मालूम है आपको, टैक्सेबल होगा केवल और केवल 25,000 का रीइंबर्समेंट है। हाउसकीपर फैसिलिटी परक्विजिट है पूरा का पूरा 24,000। सलीना टेलीफोन अलाउंसेज है, फैसिलिटी होती तो पूरा माफ कर दिया जाता, लेकिन अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है। गिफ्ट एग्जेम्प्ट है 5,000 तक, अप टू ₹5,000 निल। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपको मालूम है ये पूरी की पूरी तरह माफ होता है, इसमें कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। फ्री लंच 2,200 माइनस कर देंगे 1,500, ₹50 के हिसाब से 30 दिन का मैक्सिमम माइनस कर दिया, 700 टैक्सेबल हो जाएगा। या आप एक एजम्पशन ले सकते थे, दैट इज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड अप टू दैट लिमिट। ये मान लेंगे कि वो दिन में भी लंच करता था, रात में भी सोता नहीं था, रात की भी ड्यूटी करता था, तो उसको उस समय भी लंच दिया जाता था, दो टाइम लंच दिया जाता था, तो पूरा माफ कर सकते हैं आप। लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ₹50 पर मील के हिसाब से माफ करेंगे। चलो बचा क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड कार। कितनी देर लगी, बस कार की अगर बात करें तो कार है किसकी, एम्प्लॉय की। कार है किसकी, कंपनी की। खर्चा कर कौन रहा है, नहीं नहीं सर, कार ना एम्प्लॉय की अपनी है, आनंद की अपनी कार है, और आनंद ले रहा है। कैसे आनंद ले रहा है वो, जब कार एम्प्लॉय की होती है तो हम ऊपर वाली कैटेगरी में जाते हैं। एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का खर्चा जीरो, सब में जीरो। एम्प्लॉय की कार, एम्प्लॉयर का खर्चा। तो अगर केवल ऑफिशियल यूज में होती तो जितना खर्चा, लेकिन ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों है तो टोटल एक्सपेंसेस मेड बाय द कंपनी माइनस 1800 के हिसाब से या 2400 के हिसाब से, छोटी कार है तो 1800 के हिसाब से, तो जितना खर्च किया गया है माइनस 1800 के हिसाब से 12 महीने का 21,600 शायद हो जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका 14,400। बचा लास्ट में क्या, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंपनी का अपना तो है नहीं घर, और जब कंपनी का अपना घर नहीं है, किराए पर ले रखा है कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन, और 15,000 उसका किराया कंपनी दे रही है, तो आप लोगों को मालूम होगा इससे रिलेटेड कहानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन एक्चुअल रेंट या फिर 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहां पर है ऑल कैश बेनिफिट्स 3,02,500 प्लस 45,375 प्लस बोनस 41,250 प्लस 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 टेलीफोन अलाउंसेस। बस ये हैं आपके कैश बेनिफिट्स, उसका आप ले लेंगे सीधे सीधे 15%, और दोनों में से जो कम होगा ये आ गया 60,168। किराया कितना है 15,000 पर मंथ, तो 1,80,000। जो दोनों में से लोअर होगा 60,168, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर टैक्सेबिलिटी। तो ग्रॉस सैलरी हो गई आपकी, या आप इसी को टैक्सेबल, क्योंकि कोई डिडक्शन तो है ही नहीं,
हो सकता है हमारे और इसके आंसर में कुछ फर्क आ रहा हो जो आप सजेस्टेड वगैरह देखेंगे इस 700 के कारण, ठीक है ना। उन्होंने हो सकता है पूरी तरह माफ़ कर दिया हो कि ये अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न दिया गया है और हमने ऐसा नहीं कि हमने 50 रुपये पर मील के हिसाब से 30 दिनों का माफ़ किया है, 1500 मोटा मोटी। तो आप नोट कर लें इसको। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे। क्या है 10 में? सिंपल है, वो भी हो जाएगा, 10 मिनट उसमें भी लगेगा। जल्दी नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है ना आपके एग्जाम में जी, ये मई 2014 में पूछा गया भाई जी। जरा देखते हैं क्या पूछा गया है। मिस राखी इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी, शी रिसीव्स द फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स की बात करता है। नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, कर चुके हैं ऑलरेडी, कर चुके हैं, दोबारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन मैंने पिक किया था और इत्मीनान से हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था जी। चले क्वेश्चन नंबर 11 देखें, और ये क्वेश्चन नवंबर 2014 में पूछा गया है। मिस्टर आनंद एन एम्प्लॉई ऑफ एक्सवाइजेड कंपनी लिमिटेड एट मुंबई एंड कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है, रिटायर्स 64 इयर्स ऑन 31 दिसंबर 2017, डेट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 33 साल 7 महीने। तो इसको हम लोग 38 साल ले लेंगे क्योंकि कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एम्प्लॉयर पेज, रिसीट है ग्रेच्युटी का उसको कितना, 20,51,640, ओके, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का उसको मिला है 6,00,000 रुपए, ठीक है। He is also entitled for a monthly pension. Pension उसको मिलती है 8,000 per month. Okay. Cumulation of pension कितना है, 4,50,000, कितना percentage, 75% किस date में, 1 फरवरी 2018 को। Salary बताना है उसकी, basic salary के बारे में detail दिया हुआ है। चले ये हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटेशन में यूज कर लेंगे। चलते कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, हम यही डायरेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, हमने क्वेश्चन पूरी तरह से कॉपी नहीं किया, हम जो फर्दर इंफॉर्मेशन है यही डायरेक्ट कॉपी करेंगे। बेसिक सैलरी दी है उसकी, कहता है 9 महीने तक उसने काम किया, बट ऑब्वियस 31 दिसंबर को छोड़ रहा है तो 9 महीने काम किया है, उसकी बेसिक सैलरी थी 80,000 के हिसाब से। क्लियर, प्लस बोनस 36,000 दे रहा है, सीधे सीधे अमाउंट दे रखा है आउटर कॉलम में। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे अभी। HRA के बारे में अगर हम बात करें 10-13 के हिसाब से, तो एक्चुअल अमाउंट होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता है, याद आया, हाँ। और तीसरा होता है मेट्रो मुंबई है ना, 50% ऑफ सैलरी होता है। बस इन तीनों में से जो लोवेस्ट होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और टैक्सेबल हम पता कर लेंगे कितना है, बस यही पता करना है। ये अमाउंट एचआरए ओवर हो जाएगा।
एक्चुअल अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है एचआरए का 1,35,000, रेंट पेड दिया हुआ है उसके नीचे 1,20,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब लास्ट में निकालेंगे क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ में इन एक्सेस ऑफ 12% और 7,20,000 का 12% कितना होता है 86,400। तो 1,10,000 माइनस 86,400, 12% तक माफ होगा, डीए दिया नहीं है तो हमारे लिए टेंशन भी नहीं है, 23,600। आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय आनंद सबसे नीचे, कंपनी ने तो दिया नहीं है, कितना दिया आनंद ने 2,000। ये हो जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी, ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल सैलरी। चलिए भाई अब बात करते हैं जो टॉपिक छूटे हुए हैं, सारा क्वेश्चन मैंने अब नोट कर लिया है, ये टॉपिक देख लें, ग्रेच्युटी कितना टैक्सेबल होगा उसको यहाँ रखेंगे, पेंशन कितना आएगा वो यहाँ रखेंगे, कॉम्यूटेड पेंशन कितना टैक्सेबल होगा वो यहाँ रखेंगे, और लमसम आरपीएफ रिसीव्ड हुआ है ना रिटायरमेंट के समय और वो माफ होता है जैसा कि हम लोग को अच्छी तरह मालूम है, उसके प्रोविजंस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिए थे। आरपीएफ का जब लमसम कंसिडरेशन मिलता है, लमसम अमाउंट मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो पूरी तरह माफ होता है, चलते हैं, एग्जेम्प्ट होता है। आते हैं जो चीजें छूटी हुई हैं, बस उनको अगर हम कैलकुलेट कर लें, आ रहा है आंसर, इज रेडी, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अब एचआरए की बात करते हैं, अब रेलिवेंट पीरियड 9 मंथ है, 9 मंथ के लिए सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस ऑल कैश आइटम्स 36,000 का बोनस प्लस कुछ नहीं 7,56,000 बोनस आता नहीं है ना, सीधे 7,20,000 बाया, इसमें आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, वो रेंट फ्री अकोमोडेशन में है, सारे कैश आइटम याद रखेंगे, हम गड़बड़ करने जा रहे थे ना, तो इसमें तो कुछ है नहीं, सीधे सीधे 7,20,000 का 10% 72,000, तो 48,000, 10% हो जाएगा और 50% हो जाएगा 3,60,000, बस सबसे कम क्या है 48,000 माफ कर दो, मिला कितना है 1,35 माइनस 48,000 87,000, ये टैक्सेबल है। अब हम बात करेंगे ग्रेच्युटी की, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है 20,51,640 और हम लोग को दूसरा मालूम है मैक्सिमम लिमिट 10,00,000 रुपए की तय की गई है सरकार द्वारा, थर्ड चूंकि कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी है 80,000, तो यहां सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए तो कुछ दिया ही नहीं है, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 38, पार्ट ऑफ द ईयर 6 महीने के अधिक है 17,53,846, एग्जेम्प्ट कितना है लोवेस्ट टैक्सेबल कितना हो जाएगा 20 में से 10 माफ हो जाएगा तो 10,51,640, तो ग्रेच्युटी हो जाएगी 10,51,640, क्लियर? हाँ सर, एचआरए में हटा रहा हूं, ये हटाने जा रहा हूं ग्रेच्युटी और एचआरए, नोट कर रहे हैं जल्दी, थोड़ा नोट करें, 2 मिनट और लगेगा। देखिए इधर, अब इसको पेंशन मिलनी शुरू हुई जनवरी
फरवरी एंड मार्च, जनवरी में तो इसको पूरी पेंशन मिली होगी 8,000, लेकिन फरवरी में इसने अपनी 75% पेंशन कॉम्प्यूट करवा ली थी, यानी अब 2,000 ही केवल पेंशन मिलेगी, यानी टोटल पेंशन इसको मिलेगी केवल 12,000। अच्छा, कॉम्प्यूटेड पेंशन की बात करें सेक्शन 10 के हिसाब से, तो हम लोग को मालूम है एक्चुअल अमाउंट, नहीं, इफ कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, तो 1/3 of 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट। याद आया होगा, ना याद आया हो तो वापस चले जाएं, पीछे पेजेस पलट लें तो आपको ये लकीर और ये लाइन दिखाई देगी वहां पर। 1/3 of मतलब मल्टीप्लीकेशन, 100% 75% के लिए कितना मिला है 4,50,000। अगर 75% के लिए 4,50 है तो टोटल के लिए 6,00,000 होगा, और 6,00,000 का 1/3 माफ है, यानी 2,00,000 माफ है, तो टैक्सेबल हो जाएगा 4,50 - 2,00,000 2,50,000 सीधे। ये आपका हो गया ग्रॉस सैलरी। टोटल कैलकुलेशन देख सकते हैं आप लोग खुद, अदरवाइज हो सकता है मेरा कुछ टोटल मिस्टेक हो। दिस इज योर आंसर, नोट करें तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। जी थोड़ा जल्दी करें, खत्म होने वाला है चैप्टर। टोटल में शायद मिस्टेक है, हमको तो वैसे ही दिख रहा है, आप लोग ना इसको माफ करेंगे। कैलकुलेशन आप खुद देखेंगे, मैंने शायद 25,000 ले लिया था, ये हो जाएगा 21,80,000 240। कैलकुलेशंस आप लोग देख लेंगे बिल्कुल, चाहे वो एचआरए का केस हो, चाहे कोई भी केस हो। एचआरए आंसर हम लोग का इसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना, एचआरए हम लोग फिर से देखते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो एचआरए की। देखें इधर, एक्चुअल अमाउंट कितना था, एक्चुअल अमाउंट था एचआरए का, हम लोग को समरी पूरी बनानी चाहिए थी। एचआरए का टोटल अमाउंट है 1,35,000। दूसरा है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड है ओके, ये 12 महीने का दिया हुआ है बेटा, देख गड़बड़ हो गई ना, 90,000 9 महीने का, हम लोग को रेलिवेंट पीरियड मालूम होना चाहिए। ओके ये गड़बड़ है, ये 18,000 आएगा, हम लोगों ने 48,000 लिख दिया था। 50% ऑफ सैलरी 360, जी 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 याद आ गया मुझे, ये 9 महीने रहा। याद रखें जब हमने एचआरए भी आपको पढ़ाया था तो उस समय एक वर्ड क्लियर कट लिखवाया था, रेलिवेंट पीरियड, अगर 9 महीने का उसको सैलरी मिल रहा है तो 9 महीने का एचआरए भी बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट कितना है 18,000, टैक्सेबल कितना है 1,17,000, तो इंस्टेड ऑफ 87 87,97,30,000 जोड़ देंगे, जितना भी आए कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, दैट वुड बी योर आंसर। हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर ये नहीं देखते तो गड़बड़ हो जाती। क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अब आप खुद देखेंगे, वही लीव ट्रेवल कंसेशन। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद हम इस चैप्टर को कर देंगे द एंड। चैप्टर बहुत आसान है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रोविजंस अगर आपके क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया हो। हटा रहा हूँ एचआरए, ये नोट कर लेंगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ये भी सीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
मिस्ड, अब मैं क्वेश्चन पूरा नोट करूंगा, ये याद रखूंगा, मैं क्वेश्चन को आधा छोड़ूंगा नहीं, समरी तो मैं पूरी बनाऊंगा। ये लो समरी के लिए जगह। मिस्टर नामबी अ सैलरीड एम्प्लॉय फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। बेसिक बोला है सैलरी इसकी है 6 लाख रुपए और डीए मिलता है 3,20,000 रुपए, कमीशन 50,000 रुपए जी, ठीक है। आगे बोलिए, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं 7,500, मेडिकल ट्रीटमेंट का रीइंबर्समेंट है 21,000, प्रोफेशनल टैक्स है 7,000, 50% पेड बाय एम्प्लॉयर यानी कंपनी में लिख दे रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो सीधे सीधे आपका गिफ्ट वाउचर, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम माफ होता है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी माफ होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो माफ नहीं होगा, वो आने वाला है शायद, गिफ्ट वाउचर है 12,000 रुपए का, और LIC जो कंपनी ने पे की है 34,000, पूरी तरह टैक्सेबल हो जाएगी। लैपटॉप दिया गया है यूज करने के लिए, कुछ मत लिखो, नील वैसे ही लिखना है, चाहे वो घर के लिए हो, पर्सनल हो, उसके फैमिली के लिए हो, उसे वो क्या लेना देना। कहता है कंपनी ने कार दी है, ठीक है, ये कार कंपनी की है, ठीक है, बिलो 1.6 लीटर है, ठीक है, ड्राइवर नहीं है, पर्सनल एंड प्राइवेट दोनों यूज के लिए है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड 2,000 फीस, क्रेडिट कार्ड की फीस है बस। चलिए, बहुत ही सिंपल है, मान लेते हैं इफ वाला कंसीडर्ड कंडीशन है, मानना है, नीचे आप नोट जरूर लिख लेंगे, इट हैज बीन अज्यूम्ड, कमीशन परसेंटेज नहीं है, सीधे सीधे फिक्स अमाउंट है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सरकारी नहीं है भाई, टैक्स लगा दो, नीचे कोई छूट मिलेगी भी नहीं, पंद्रह हजार तक माफ होता है, 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही है, सारी चीजें रटी रटाई हो गई बिल्कुल। प्रोफेशनल टैक्स कंपनी जितना देती है, कितना देती है, आधा, और एम्प्लॉई जितना खर्च करेगा माइनस प्रोफेशनल टैक्स 7,000, पूरा डिडक्शन मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिल, निल नहीं, लिल, गिफ्ट वाउचर 12,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, LIC प्रीमियम टोटल टैक्सेबल है परक्विजिट की कैटेगरी में, आप लोग पढ़ चुके हैं, लैपटॉप लिल का और क्रेडिट कार्ड फीस 2,000, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड फीस जितना खर्च करेगी कंपनी वो टैक्सेबल हो जाएगा। आते हैं कार की बात करते हैं, छोटी कार है कंपनी की कार है, छोटी कार है कंपनी की कार है, पर्सनल एंड प्राइवेट दोनों है, टोटल खर्चा वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो छोटी कार 1,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से सीधे सीधे टैक्स लगा दें, बात खत्म हो जाएगा, ना कि 2,400, 12 महीने का है, that's it।
टोटल कैलकुलेशन अपना देख लेंगे, हो सकता है हमारा कैलकुलेटर कुछ और जवाब दे और आपका कैलकुलेटर कुछ और जवाब दे। आजकल कैलकुलेटर भी जवाब देने लगे हैं। टोटल आप लोग चेक कर लेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कैलकुलेशंस ठीक ठाक हैं। आपका ये चैप्टर हम करते हैं एंड, लास्ट क्वेश्चन आप खुद देख लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे।